मोदी ने 48 घंटे के अंदर ही ले लिया पाकिस्तान से 3 जवानों की शहादत का बदला। इधर कश्मीर में शुरू हुआ ऑपरेशन अनंत, उधर अपना ही देश छोड़कर भाग खड़ा हुआ पाकिस्तानी सेना का चीफ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से हुए एनकाउंटर में देश के 3 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान में पनाह लेने वाले आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के गुट ने इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मोदी जिसका इंतजार कर रहे थे वही होने वाला है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भी इसका अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसने जो किया है उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ISI ने ही आतंकियों को दहशत फैलाने के लिए मजबूर किया और इसके बाद हिंदुस्तान के 3 जवान शहीद हो गए। लेकिन एक बार फिर से मोदी ने सेना को खुली छूट देकर रवाना कर दिया है। कश्मीर में ऑपरेशन अनंत शुरू हो गया है, आसमान से बम और गोले बरसाए जा रहे हैं। इधर सीमा के उस पार पाकिस्तान अपने आतंकी बंकरों को हटाने में जुट गया है। 14 फरवरी 2019 को जब पाकिस्तानी आतंकियों ने CRPF के काफिलों को निशाना बनाया था, उस दौरान जैशे मोहम्मद के आतंकवादियों ने विस्फोटकों से लदे वाहन को CRPF के जवानों की बस से टकरा दिया था। उस दौरान PM मोदी के आदेश के बाद भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर करीब 200 आतंकवादियों को खत्म कर दिया था। तो क्या फिर से पाकिस्तान में मोदी सर्जिकल स्ट्राइक करवाने वाले हैं? और पाकिस्तान आतंकियों को क्यों छुपा रहा है आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने कैसे अनंतनाग में आतंकी हमले की साजिश रची। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद से बड़े आतंकी हमले घाटी में नहीं हो पा रहे थे, इससे पाकिस्तान और ISI बहुत परेशान था। ISI ने ही आतंकियों पर दबाव बनाया और कहा कि अगर वो किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं देंगे तो उनको पाकिस्तान से दी जा रही फंडिंग को बंद कर दिया जाएगा। इसी दबाव में आकर आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया और सेना के 3 बड़े अफसर शहीद हो गए। लेकिन यही गलती अब आतंकवादियों के लिए और पाकिस्तान के लिए भारी पड़ गई है। पाकिस्तान में भारतीय सेना ने ऑपरेशन अनंत शुरू कर दिया है। जंगल और पहाड़ियों में आतंकवादियों पर बम बरसाए जा रहे हैं, चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर से भी आतंकी कैंपों को हटाया जा रहा है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं 2019 की तरह मोदी सर्जिकल स्ट्राइक न करा दे। ये खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पाकिस्तानी सेना का चीफ असीम मुनीर अपना देश छोड़कर भाग गए हैं। सूत्रों का दावा है कि तुर्की के राष्ट्रपति इर्दुगान से असीम मुनीर ने कहा है कि वो मोदी से बात करें ताकि भारत पाकिस्तान पर किसी भी तरह का हमला ना करे। लेकिन इधर PM मोदी ने ऐलान कर दिया है कि जवानों की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। मार्कोस कमांडो को भी कश्मीर में उतार दिया गया है। मार्कोस कमांडो को भारत के सबसे बेहतरीन कमांडो में से एक माना जाता है। ये आतंकवाद से निपटने के लिए पानी के नीचे और सब एंटी पायरेसी ऑपरेशन में माहिर होते हैं। इसके साथ ये जमीन पर भी अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर इन कमांडो को छूट मिल जाए तो 1 घंटे के अंदर लाहौर भारत के नक्शे में शामिल हो जाएगा। अनंतनाग में जवानों की शहादत का बदला ऑपरेशन अनंत ने कई आतंकवादियों को ढेर करके ले लिया है। इस बार लगता है कि कश्मीर से आतंक को हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान है। देश के अंदर मांग उठ रही है कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करके शहादत का बदला लेना चाहिए। लेकिन आपकी क्या राय है? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।